हेलो एवरीवन, गुड़िया स्टॉक वर्ल्ड के सबसे पहले वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं आपको हमारी टीम में बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो इस वीडियो में हम कुछ साइंस बेस्ड बेनिफिट्स देखने वाले हैं एक डॉग लेने का। अगर आप एक डॉग लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपने ये तो जरूर सोचा होगा कि डॉग के साथ लाइफ कितनी मजेदार होती है यार, और इस बात में कोई शक भी नहीं है। तो इसी को लेके साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है और उन्हें रिसर्च से ये पता लगा कि जिन लोगों के पास पेट डॉग है वो फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग रहते हैं और उनको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रहता है। तो अगर आपके पेरेंट्स को मनाने की बात भी डॉग लेने के लिए आपके पेरेंट्स का आंसर है सीधा नो, तो चले गाइस अपने ढपलियों को रेडी कीजिए और उनको बुझाते हुए और जोर से या फिर धीरे से आपकी मर्जी के हिसाब से नाचते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बात देखी गई कि जिन लोगों के पास डॉग है वो लोग बहुत काम रहते हैं और वो लोग डिप्रेशन से बहुत दूर रहते हैं। ये हेल्प करता है डिप्रेशन को दूर करने के लिए। और पेंसिल्वेनिया के दो साइंटिस्ट ने 1980s में ये रिसर्च में पाया कि जिन लोगों पास डॉग है वो बहुत काम रहते हैं और डिप्रेशन से दूर रहते हैं, और जो लोग डिप्रेशन में आकर मेडिकेशन के शिकार में आ चुके हैं, मेनली जो हमारे एडल्ट लोग होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा रामबाण है स्ट्रेस फ्री होने का। तो आगे तो आप समझदार हो, ब्रेव हो, स्ट्रांग हो और स्मार्टर हो जितना आप सोचते हो उससे ज़्यादा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको मेडिकेशन के चक्कर में घूमना है या फिर एक ऐसा फैट लेना है। डॉग्स होते उतने क्यूट है, मतलब उनको कोई देखने से ही मतलब खुश हो जाएगा। मेनली मैं डॉग लवर्स की बात कर रही हूँ, वरना डॉग हेटर्स जो उनको देख के भाग जाते हैं। डॉग लवर्स की बात करें तो वो अपने डॉग्स को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। इस चीज़ को रिसर्च किया गया और उसमें पाया गया कि डॉग्स के आँखों में देखने से ही हमारे बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जो कि डिप्रेशन को फाइट करने में बहुत मदद करता है। और डिप्रेशन को फाइट करना बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें एडल्ट जो होते हैं, ओल्ड जो पीपल होते हैं, उनमें ज़्यादा होता है, क्योंकि फैमिली से उनका कनेक्शन बहुत दूर का हो जाता है, टूट जाता है कनेक्शन कभी कभार, और वो बहुत लोनली भी फील करते हैं। तो उनके पास अगर एक डॉग हो ना तो उनको कोई लगता है कि हाँ हमारा अपना कोई है। और एक रिसर्च किया गया था 60 ईयर्स एंड अबव के ओल्ड पीपल के लिए, और उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया और उनको चेक किया गया उनके डिप्रेशन लेवल को। और जिन लोगों के पास डॉग है ना, उनका डिप्रेशन लेवल बहुत ही कम था, या फिर वो डिप्रेस होते ही नहीं थे, मतलब वो अपने हिसाब से रहते थे, खुश रहते थे अपने पेट के साथ, कोई टेंशन नहीं है उनको। अगर टेंशन हो तो भी वो अपने डॉग्स को देख के सब भुला जाते थे। और ये सब चीज़ें नॉन डॉग ओनर्स के लिए इम्पॉसिबल वाली बात है रियली। और डॉग्स होते ही इतने एनर्जेटिक है और ये आपको इतना सताएंगे, इतना घुमाएंगे और आपके साथ इतना खेलेंगे कि आप फिट हो ही जाओगे। तो डॉग्स पालने का ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप फिट रहोगे। अगर आप थक गए हो, कुछ मतलब मोटिवेट करने के लिए कुछ है नहीं आपको वर्कआउट के लिए, तो ये ऑप्शन बहुत सही रहेगा। आपको मेरे ओर से थम्स अप है और आप डॉग ले सकते हैं, और यही बहाना दे दीजिए तो आपके पेरेंट्स भी आपको कहेंगे थम्स अप ड्यूड। डॉग्स आपको ना अट्रैक्टिव बनाते हैं, मतलब ये बहुत बार देखा गया कि कोई जब इंसान जो मतलब अगर नॉर्मल रहता है तो उतना ही अट्रैक्टिव रहता है, पर उसके पास अगर एक डॉग है तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। मेनली की बात कर रही हूँ, वो एक्चुअली अट्रैक्ट होते हैं। तो सिंगल्स उठ जाओ, फिंगर क्रॉस्ड करो, ले लो अपने साथ डॉग्स, और उनका ख्याल भी रखना है ओके। तो और उनको घुमाने लेके जाओ, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर देना। और यूट्यूब के इतने बड़े समंदर में, मतलब गहरे समंदर में अगर डिंग चेक पूजा डिलो का स्कूटर चला के और चिकन लेग पिज्जा अंकल चिकन खा के
फेमस हो सकते, तो मैंने भी डुबकी मार ली, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना हमसे। तो वीडियो के बारे में अगर कुछ बोलना हो तो कमेंट सेक्शन में मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। और मेरे साथ स्टे ट्यून्ड रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो थैंक यू अगर आपने लास्ट तक देखा हो तो, मैं बहुत खुश हूँ अगर आपने लास्ट तक देखा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।